में छात्रों के प्रदर्शन और मांग के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर परीक्षार्थियों की समस्या पर विचार करते हुए मुख्य सचिव आमिर सुबहानी के साथ बैठक की। इस बैठक में बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने पूरी स्थिति के बारे में मुख्यमंत्री को बताया। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने सीएम नीतीश कुमार को बताया कि उन्होंने सभी जिलाधिकारी एवं क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया है। इस संदर्भ में फैसला लिया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पूर्व की तरह एक दिन एक ही पाली में ली जाएगी। आपको बता दें कि बीपीएससी की परीक्षा पहले दो दिन हुआ करती थी। इस फैसला को लेकर छात्रों में काफी नाराजगी थी और इसको लेकर अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे। अभ्यर्थी का कहना है कि फॉर्म भरने के बाद परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया गया है जो छात्रों को मंजूर नहीं था। किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन में परसेंटाइल सिस्टम नहीं है। ऐसे में अभ्यर्थियों के मन में संदेह है कि बीपीएससी परसेंटाइल सिस्टम के माध्यम से फिर से मनमानी करना चाहती है। लेकिन छात्रों की एक मांग थी कि परीक्षा एक दिन और एक ही पाली में हो, जिस पर सरकार ने मंजूरी दे दी है। हालांकि बीपीएससी अभ्यर्थी परसेंटाइल सिस्टम लागू करने और दो दिन परीक्षा आयोजित कराने को लेकर लगातार विरोध कर रहे थे। इसी मामले को लेकर सैकड़ों अभ्यर्थियों ने बुधवार को गांधी मैदान से बिहार आयोग तक पैदल मार्च निकाला था। इस दौरान अभ्यर्थियों को रोकने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया और अभ्यर्थी पर लाठी चार्ज करके हटाया। इस लाठी चार्ज में कई महिला और पुरुष अभ्यर्थी घायल हो गए थे। पुलिस की लाठी चार्ज में घायल अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास में पहुंचे थे, जहां उन्होंने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मामले में हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई थी। बीपीएससी की 67वीं पीटी परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद रद्द कर दी गई थी। इसके बाद परीक्षा की नई तिथि की घोषणा आयोग ने 20 और 22 सितंबर को कराने की थी। लेकिन इस बार परीक्षा में परसेंटाइल सिस्टम लागू किया गया है। लेकिन इस सिस्टम लागू किए जाने से अभ्यर्थियों में क्रोध था। इसके लिए मुख्य परीक्षा की कॉपी स्कैम करके डाली जाएगी ताकि आरटीआई से अंक संबंधित जानकारी मांगने की आवश्यकता न पड़े। परीक्षा में क्वेश्चन लीक से बचने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाए जाएंगे और संवेदनशील सेंटर पर अतिरिक्त टीम तैनात की जाएगी। हर परीक्षा केंद्र का एक यूनिक कोड होगा। इससे प्रश्न पत्र का पहचान की जाएगी कि कौन सा प्रश्न पत्र किस परीक्षा केंद्र का है। वहीं प्रारंभिक परीक्षा के बाद एक बार अभ्यर्थियों को अपने ऐच्छिक विषय बदलने का भी आयोग इस बार मौका दे रहा है, जो छात्रों को मंजूर नहीं है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।